as long as it's with. गाइस ये काफ़ी ज़्यादा दूर से आई है, नजफगढ़ से आई है गाइस, आप सोच सकते हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगी, मैं भी मस्त। तो गाइस अच्छी वीडियो होने वाली हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, क्योंकि आज हम आ रखे हैं हुमायूं का मकबरा, जिसे हुमायूं टाउन भी कहते हैं। और आज मैं आ रखा हूँ मेरे दी लोगों के साथ। आज मेरी दी आ रखी है नजफगढ़ से, इसका नाम है मनीषा जी। आपको उसका इंटरव्यू कराऊंगा, उससे मिलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हुमायूं टाउन पूरा कैसा है। मतलब मैंने ना खाली YouTube वीडियो में देखा था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ की वीडियो वीडियो बनाते हैं, मैंने सोचा कि ना मैं भी आज बनाऊँ जाकर यहाँ पे और देख लूँ मैंने कैसा है। कि मैं लगभग आधी जगह पर घूमने के लिए मैं थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे घूमना चाहिए, सभी आपको दिखाते हैं अंदर का भी। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपको आगे। सो गाइस जैसे आप हुमायूं टाउन आते हैं, मतलब यहाँ पे ना पहले आपको टिकट लेनी पड़ती है, जो कि टिकट मतलब 40 रुपीज़ की टिकट है। अगर आप 14 साल से मतलब अगर आपका लड़का मतलब कोई भी है उसकी एज 14 साल से मतलब कम है तो उसकी फ़ीस नहीं लगती है, और 14 साल से ऊपर है तो मतलब उसकी फ़ीस लगती है। चलो सो गाइस मैं टिकट लेके आ चुका हूँ फाइनली। और गाइस यहाँ पे टिकट है ना जो मतलब वो 40 रुपीज़ की है, और अगर कोई फॉरनर बंदा आता है तो उसकी टिकट 100 रुपीज़ की है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे मतलब कोई भी खाने पीने का आप सामान मत लाना। अगर मतलब आप यहाँ पे आते हैं ना तो खाने पीने का सामान अंदर नहीं ले जाने देते हैं। अभी हम मतलब कुछ लेके आए थे ना सामान, तो वो हमें बाहर ही रखना पड़ा, हम थोड़ा खा लिया हमने और थोड़ा वहाँ पर रख दिया। और अभी आपको अंदर बाहर का व्यू दिखाता हूँ पूरा। सो गाइस हुमायूं टाउन आके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और गाइस यहाँ पे मतलब ना काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप यहाँ पे पैसे दे रहे हो तो गाइस मतलब काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब घूमने लायक है। अगर आप 40 रुपये दे भी देते हो गाइस कुछ नहीं आता, बहुत बढ़िया जगह आपको देखने को मिलती है। मुझे तो गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये, और अभी आपको मैं सिनेमैटिक शॉट भी दिखाऊँगा। सो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपको आगे में। The festival that we met at, where you were just a face in a crowd, and now I can't imagine me with anybody else. As we close out the night underneath the lilac sky, summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जगह है, मुझे तो यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और आपको भी यहाँ पे मतलब आए ना तो मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, आप एक बार यहाँ पे आके जरूर ट्राई करें। मेरे साथ तो मनीषा दी आई है, तो मैं आपको मनीषा दी से मिलाता हूँ। मनीषा दी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज यहाँ पे आके, और फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा है। आप देखेंगे हर जगह चारों तरफ दिखा रहे हैं, एक बार काफ़ी अच्छा है यहाँ का व्यू, और मतलब काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस ये काफ़ी ज़्यादा दूर से आई है, नजफगढ़ से आई है गाइस, आप सोच सकते हैं। मतलब घूमने के लिए आ रही, काफ़ी ज़्यादा से बढ़िया लग रहा है, शर्माती बहुत है।
और ये भी अब YouTube चैनल बनाने वाली है अपना, तो गाइस इसका चैनल का नाम होगा मनीषा यूके, सब्सक्राइब कर देना इसका चैनल जाकर। और गाइस हम मिलते हैं आपको आगे, यहाँ पे पूरा व्यू दिखाते हैं आपको यहाँ का अच्छे से, बने रहिए मतलब मिलते हैं आपको। गाइस मैंने यहाँ पे ना एक चीज़ देखी, मतलब यहाँ पे ना मतलब पूरा किला एक जैसे ही है, मतलब सीढ़ियाँ जहाँ पे आने के लिए ऊपर और जाने के लिए जैसे देख सकते हैं गाइस, मेरे पीछे ये हमारी टाउन किला है, मतलब काफ़ी पूरा एक जैसे ही है गाइस, ये देख सकते हो आप, मतलब हम यहाँ यहाँ तक देखोगे गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह भी है, वही तो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। और अभी हम आपको कुछ दिखाते हैं सिनेमेटिक शॉट वगैरह, ठीक है, और आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं, सो मिलते हैं आपको आगे में। White of skies, middle November, you and I, flights to wherever, I don't mind, as long as it's with you, as long as it's with you, as long as it's with you, as long as it's with you. You'll be close, I will wait as long as it's for you.